बाबा साहब ने सारी उम्र लगा दी, आज कोई पंजाब चे हो चाहे वर्ग नहीं, भावे गरीब हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, किसान हो, ये हक नहीं कहूंगा कि बाबा साहब साढ़े अपने ने साड़ी तकलीफ समझ ले, कोई हो जाए धर्म नहीं, भावे मुसलमान हो, भावे हिंदू हो, भावे ईसाई, भावे सिख, जेड़ा कहना बाबा साहब ने मेरे धर्म का मेरी इज्जत की थी, साढ़े धर्म की इज्जत की थी। जे दुर्गयाना मंदिर की सुंदरीकरण की थी ते गुरु रविदास जी का भी सुंदरीकरण की था, भगवान वाल्मीकि जी भी कीता ते दरबार साहब का भी कीता, सारे धर्मां दे त्यौहार मनाए ते अमन शांति भाईचारक साल नूं मजबूत करन वास्ते ही आ बट मंदिर भी बनाया सी। लेकिन अज हो की रहा है, अज भरावां नूं भरावां नाल लड़ाया जा रहा है। मैं निंदा करती हां, जिथे भी जोर जबर ते लड़ाई झगड़े बिलकुल नहीं अमन शांति दे नाल लड़ाइयां जित्तियां जांदे, खास तौर ते पंजाब च। आज पंजाब के कांग्रेस की समझ रही है कि अकाली दल के नाल भाजपा हो गई ते हुण दी सारे भाजपा दे हिंदू वोट साडे कोल आ, साडी तां सरकार दुबारा बन गई। आज प्रशांत किशोर वर्गे नवी नवी चीजां सिखा रहे ने, मलोट च जिहड़ा हादसा होया मैं उसकी निंदा करदी आ, जिहड़े भाजपा दे लीडर दे नाल होया ओह बेचारे दा कसूर की सी आ, दिल्ली बैठे मोदी ते शाह दा फैसला करे ये बेचारे कुछ खारे ने, ते कौन सोचे खड़ी है कौन साहब कहिंदी सानू विधायक है कि गुण लैंदे हो इहनां नूं, क्यों? क्योंकि कैप्टन साहब सोचते जिंदगी के लड़ाई झगड़ा बढ़ूगा तो साढ़े हिंदू प्राप्त कैप्टन साहब बन जाएंगे। आज मैं बेनती करना चाहती हाँ कि पंजाब की अमन शांति कायम रखांगे ता ही पंजाब तरक्की करूंगा। आज इतने असी इस अमन शांति इस भाईचारिक सांझ वास्ते बादल साहब विष्णु की अकाली दल ने सब कुछ वारता ताकि पंजाब तरक्की करे, पंजाब के लोग ही खुशहाल रहे। ते आ सारी मिली भुगतान जेड़ी इलेक्शन जितने वास्ते कुर्सी दे लालच वास्ते। अज मैं पूछना चाहती हाँ कि किसानी साढ़े पंजाब की रीढ़ की हड्डी है, मैं कहती देश की रीढ़ की हड्डी है। प्रधानमंत्री होता है देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी को चार सौ ज्यादा नहीं होता। जे रीढ़ की हड्डी में एक मन के में भी तकलीफ आ जाए तो सारे शरीर पैरालाइज हो जाता है। जे पंजाब के किसानों को काले कानूनों के खिलाफ कोई तकलीफ है कि प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता सुपारी करे जाए, कि प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता तकलीफ दूर की जाए। वीर की हड्डी का प्रधानमंत्री साहब एक भी मन का तकलीफ जो सारा शरीर तकलीफ से होता है, एक गलत गल है कि सारे देश के हित में छगाते एक वाला पा रहे ने, ये बिल्कुल नहीं अहंकार रहेगा, ये अहंकार माड़ी चीज है, देश के नेता भी ये चीज नहीं होनी चाहिए। आज दुख है जिते एक सरकार ने अहंकार करके ते दूजे सरकार भी मिली भुगत करके और अभी नलैकी करके पंजाब के पिछले 45 साल से जिन्ना कर्जा नहीं सी साढ़े चार साल से कैप्टन ने ते निखेध वित्त मंत्री ने उन्हें कर्जा चाड़ता, तुम सारे जानते हो 70,000 करोड़ रुपए आप विधानसभा से बोलिया कर्जा चढ़ गया साढ़े चार साल से, खजाना था भी खजाना कि नहीं कहती तुम पेट्रोल डीजल अपनी गड्डिया से भरना बंद करता, शराब आमदन आती है खत्म हो गई क्योंकि नजायज शराब बेच रहे हो, हकीकत है। नोट नोट के गरीबा की स्कॉलरशिप बच्चा लुट लिया, बिजली के बिल वे वे करके थानू लुट लिया, पेट्रोल डीजल की कीमत केंद्र ने बताइया तो उन्ना ही पता इन्होंने टैक्स वधाता, बड़ी कड़ी सकरीन की सुनवाई हुई है। आज कैप्टन साहब ने तो 27 एकड़ का फार्म हाउस बना लिया जिन्हें कोई कोई आमदन नहीं है, तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, मैं दसो थोड़ा साढ़े चार साल से की बनया कर्जा कर दिया उन्हें। आज बेनती करती हूँ ये सारी सरकार रल मिल के आज श्रोमणी अकाली दल को निशाना क्यों बना दिया, आज क्यों बेअदबी करने वोटा से मेरे याद आती है 2017 से याद आई और बाद 2019 से याद आई, आज कोई गल करता क्योंकि अफसोस निकलता है कि जिते श्रोमणी अकाली दल का लीडर सुखबीर सिंह बादल ते साडा परिवार रोज गुरु दे अगे अरदास करता है, जिन्होंने बेअदबियां कराइया, जिन्होंने सियासत खेडी उन्हां दा कंग खा लै दूजे लोग ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
मरी जा रहे हैं, कौन बेच रहे, असी बेच रहे हैं, झूठ दे उपर झूठ, सब तो गंदी राजनीति साढ़े शोके पानी के उपर मरते ने करने वाले आप ने। लेकिन असी बोल रहे लेकिन हाँ परमात्मा का वो आसरा है, झूठ दे पैर नहीं होते, सच की जित होती है। गुरु की कृपा होगी ने तुसी आशीर्वाद देना जरूर अपनी सरकार बनोगी। ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ
ਤੜੇਬੰਦੀ ਛੱਡੋ, ਆਪਸੀ ਵਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਛੱਡੋ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਆਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ